सोचा नहीं समझा नहीं कर दिया, इस मामले में क्या करें? तो मैं ये कहूँगा गालिब गुमान जो आता है आप उतना दे दें, ज़्यादातर जो लगता है जिस तरफ गुमान जाता है उस तरफ आप बढ़े और दे दें। मिसाल के तौर पर गालिब गुमान ये आ रहा कि शायद 20,000 लिए थे हमने एक दूसरे से, वो बोला भाई कोई बात नहीं आप जो देना है दे दीजिए। गालिब गुमान जिस पे आपका ज़्यादा गुमान जा रहा है कि ऐसा होगा इतने लिए होंगे, वो गालिब गुमान के बुनियाद पर दे दें। देने वाला इस नियत से दे कि अब जो कुछ बच गया मैं नहीं जानता हूँ तो मैं बहरहाल दे दे रहा हूँ, लेने वाला ये कहे कि इसके अलावा कुछ होगा तो मैं माफ़ करता हूँ इसको, तुमको एक और मसला नहीं। चूँकि अब जब खर्ज लिया और याद नहीं रखा मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा रिश्ता है, ठीक है, वरना लोग आठ आने याद रखते हैं। तो इससे मैं ऐसा अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि रिश्ता बहुत मजबूत है और 15,000 का खर्ज भी भूल जा रहे हैं, तो मतलब एक मोहब्बत की अलामत है। तो देने वाला फिर गालिब गुमान जो हो दे दे, और जैसे उन्होंने कहा 15 का गुमान है लेकिन 20 दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है ना, अच्छा है ना, ज़्यादा दीजिए भाई, हो सकता मेरे तरफ ना आ जाए तो ले लो, इसमें भी कोई माशाल्लाह कोई हर्ज नहीं। चूँकि देते वक्त कोई तय नहीं होता कि 15 के 20 दी जाएंगे, तो अब आप सोच रहे गालिब गुमान 15 लिया होगा तो चलो अब कुछ बढ़ के देना चाहिए, चूँकि उनका लिया याद भी नहीं आ रहा है मे भी, तो इस शक्ल में जो बेहतर कैफियत आपको नज़र आती हो आप दोनों म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग के साथ कर ले। हो सकता लेने वाला ये कहे तुम 20 देना चाह रहे हो मैं तो 10 ही मांग रहा हूँ तुमसे, इसलिए कि मुझे भी डर लग रहा है कि ज़्यादा ना जाए, ये डिपेंड है आपके रिलेशन पर। लेकिन हाँ, आप लौटाने में चूँकि हमने अच्छे से लौटाना चाहिए और चूंकि आप लोग भूल गए हैं, तो मैं चाहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा दे दें ताकि लेने वालों के लिए एक्सेस हो तो तोहफा हो जाए, उसके लिए गिफ्ट हो जाए, और कम हो अगर उसमें तो एक दूसरे से म्यूचुअली कह दे कि भाई मुझे इतना याद आ रहा है मैं इतना दे रहा हूँ, वो कहे कि भाई जो भी इससे ज़्यादा कम था ये मैं आपको माफ़ करता हूँ, तो मामला इंशाल्लाह हल हो जाएगा, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ कर सकते हैं। वैसे तो खर्च पूरा माफ़ भी किया जा सकता है, आप ज़ायद भी दे सकते हैं, वो मसला नहीं है, लेकिन चूंकि आप हिसाब करना ही चाह रहे हैं तो बहरहाल हुस्न ज़न जो सबसे ज़्यादा है वो कीजिए और गालिब गुमान रखते हुए उनको दे दीजिए, और एक दूसरे को ये कह दीजिए कि भाई अब हमने माफ़ी मांग ली, एक दूसरे को माफ़ कर दीजिए कि भाई मैंने कम दिया होगा तो माफ़ी चाहता हूँ, और वो कहे मैंने ज़्यादा कर लिया होगा तो माफ़ी चाहता हूँ, ये खर्च खत्म हो, कोई मसला नहीं इंशाल्लाह। किसी ने एक सवाल किया कि मन्नत सिर्फ अस्सलाम वालेकुम, आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात और सदक़ात के जरिए, डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट पर क्लिक करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हकदार बने। रोजाना हमारे वीडियोस को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडी को सर्च करें। जज़ाकअल्लाह।